बोलिए श्रीमत सतगुरु सरकार की। अब आप लोगों के समक्ष श्रीमत पद वाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज का अलौकिक प्रवचन होने जा रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके एक एक शब्द पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके लाभ उठाएं। अब मैं अपने गुरुदेव के सुकोमल पाद पद्मों में सविनय प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना दिव्याति दिव्य ज्ञान प्रदान करके हम अज्ञानी जीवों को अनुग्रहित करें। वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं क्षलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः कमलराभा कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं दधाति पूर्वं वो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सकला कल्याण गुणगण
निलय निखिल कल्याण गुण गर निलय आनंद सिंधु बल बंधु पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है, कहीं कोई भी दो वस्तुएं एक सी नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर जीवात्माओं के लिए है, सब पृथक पृथक। एक शरीर को भी ले लीजिए, जैसे मनुष्य इस समय 6 अरब हैं, इनमें किसी भी दो मनुष्य की शकल तक नहीं मिलती, अकल क्या मिलेगी, अंगूठा छाप भी नहीं मिलता। कितना बड़ा वैलक्षण्य है, बनाने वाले का पता नहीं, और मां के पेट में इतना पृथक पृथक शरीर बनाया जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता। एक ही पेड़ के जितने फल हैं, सब में अलग अलग स्वाद है, कोई चीज कहीं नहीं मिलती। और यह भी एक विचित्र बात है कि जितने भी प्राणी हैं, सब केवल एक वस्तु चाहते हैं। क्या वस्तु है? आनंद। और उसी के लिए ज्ञान, और उसी के लिए जीवन।
ये तीन वस्तुएं सब चाहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक। क्यों? सबका रीजन है। हमारे यहां अंधविश्वास नहीं है, सब की साइंस है, विज्ञान है। ये सब समझना होगा। और मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जो यह सब समझ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उस ज्ञान से आनंद प्राप्त कर सकता है। और मानव देह के अतिरिक्त नीचे सब जीव अल्प ज्ञान युक्त हैं। ये हमारा प्रवचन नहीं सुन सकते, समझ सकते। हमसे आगे एक योनि है, उसको देव योनि कहते हैं, स्वर्गलोक में। उनके पास बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा ज्ञान है, हमसे अनंत गुना कह सकते हैं हम। उनका शरीर हमारे शरीर से अनंत गुना सुंदर, उनके शरीर से खुशबू निकलती है। ये मल मूत्र प्रपंच उनके शरीर में नहीं है। अगर यहां एक देवता आकर खड़ा हो जाए तो उसकी खुशबू से आप सब लोग बेहोश हो जाएं। ऐसा शरीर है। और वहां का सामान आपने सोचा रसगुल्ला आ जा, आ गए, कोई प्रयत्न नहीं करना। हमारे संसार में कोई बहुत बड़ा अमीर और ऐश्वर्य वाला होता है तो कहता है साहब इनको तो स्वर्ग है, जानता नहीं स्वर्ग क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल दे देता है, ये गंदा कूड़ा कबाड़ा शरीर स्वर्ग के क्या मुकाबला करेगा। लेकिन वो स्वर्ग में एक बड़ा दोष है, क्या? वहां आप प्लस नहीं कर सकते, कुछ कमाई नहीं कर सकते, बस माइनस माइनस माइनस। आपने जैसे बैंक में 1,00,000 रुपया जमा कर दिया, अब आप फूले फूले घूम रहे हैं और मनमाना खर्च कर रहे हैं। 10,000 का महीना, 10 महीने बाद आप जीरो हो गए। अब आप जाएं बैंक में और कहें 10,000 लाइए इस महीने, तो वो लोग कहेंगे कुछ गड़बड़ है इसका, अरे भाई तुम्हारा समाप्त हो गया 1,00,000, अब तुम जाओ फिर कमाओ। ऐसे ही स्वर्ग का हिसाब किताब है, वहां केवल पुण्य क्षीण होता है, प्लस नहीं होता। यानी आप वहां कोई कर्म नहीं कर सकते, ना अच्छा ना बुरा, केवल भोग है। और हमसे जो नीचे योनि वाले हैं यहां भी भोग है, जितने भी कुकर शुकर कीट पतंग हैं सब भोग योनियां। तो स्वर्ग भी भोग योनि और हमसे नीचे वाले भी सब भोग योनि, केवल मानव देह ये कर्म योनि है। वो हम लोगों को मिला हुआ है वर्तमान काल में। लेकिन हम लापरवाह हैं, नहीं जानते। हमारा जो ज्ञान है उसको हमने सही ढंग से सही दिशा में डाइवर्ट करके नहीं चलाया, अज्ञानियों के ज्ञान से युक्त होकर चलाया। इसलिए हम आनंद से वंचित रह गए। वेद कहता है
इहचे दशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। केनोपनिषद तीसरे खंड का पांचवा मंत्र। इसी मानव देह में अगर तुमने नहीं सही ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान के द्वारा आनंद प्राप्ति नहीं कर ली तो सर्गेशु, सर्गेशु माने कई कल्प तक फिर मानव देह नहीं मिलेगा। 43,20,000 वर्ष का चार युग, 71 बार चार युग बीत जाए तो एक मन्वंतर, 14 मन्वंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन उतनी बड़ी एक रात, उसे कहते हैं सर्ग कल्प। इतने दिन तक हम नीचे घूमते रहेंगे चराचर योनियों में। आप लोग कभी सोचते नहीं एक पक्षी कैसे जीवित रहता है, न कहीं घर है न कहीं खाने का ठिकाना है। एक घर घर घूमने वाला कुत्ता कैसे जीवित रहता है, उसके लिए क्या प्रबंध है, आज का भी नहीं है कल का क्या होगा। वो कहीं अगर जाता भी है कुछ मांगने तो डंडा मारा जाता है उसको। एक मच्छर है वो बेचारा घूम रहा है भूखा, हम मनुष्य है उस पर दवा छिड़क के मार देते हैं। कितना दुख है नीचे की योनियों में, कभी सोचा नहीं हम लोगों ने, नहीं तो मानव देह का महत्व तो समझ में आ जाता कि क्या मिला है मुझको और क्या किया मैंने। इह चेद बेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा बेदीन महती विनष्टि। कठोपनिषद भी यही कहता है, इस मानव देह में अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है और नहीं तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा। मामूली विनाश नहीं, महती विनष्टि। आकर चारि लक्ष चौरासी यो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मैंने बताया ना कई कल्प के बाद फिर मानव देह मिलेगा, और मिलेगा भी तो क्या होगा, अनंत बार मिल चुका। ध्यान दीजिए, अनंत बार आप मनुष्य बन चुके हैं पास्ट टेंस में, और स्वर्ग भी अनंत बार जा चुके हैं और नरक वगैरह तो जाते ही रहते हैं। याद नहीं है, ये सब सौभाग्य मिल चुका है हम लोगों को, लेकिन एक सबसे बड़ा दोष है उधार करना। उधार कर लेंगे, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ाई लिखाई की। प्रह्लाद ने असुर बालकों को उपदेश दिया था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बाल्यावस्था में ही भगवान की ओर लग जाओ, क्यों? अरे ये मानव देह किसी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता, पैदा होते ही मर गया, एक साल का होके मर गया, आईएएस पास करके आ रहा था रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मर गया, कुछ भरोसा नहीं इस मानव देह का।
तो तुम अगर परखोगे कि जुआ अवस्था में करेंगे और जुआ अवस्था आवे ही ना और मानव देह छिन जाए तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा, जजमेंट क्या होगा। इसलिए तुरंत करो। महाभारत में थोड़ा और आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा जुवैव धर्मशीला स्यात् अनित्यं खलु जीवितं को हि जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। अरे कौन जानता है कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। ये इतनी प्राइवेट बात है कि भगवान ने किसी को ये नॉलेज नहीं दी कि हमको तो पता है 28 साल और 3 महीना और 2 दिन के बाद 10:30 बजे मरेंगे। किसी को पता नहीं। बड़े बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि हुए, सबको जाना पड़ता है। भगवत प्राप्ति करने वाले अनंत महापुरुष हुए, सबको जाना पड़ेगा। वो टाइम बंधा हुआ है, भगवान स्वयं चले जाते हैं नियम का पालन करते हुए। भगवान राम के पास जमराज गया याद दिलाने, महाराज आपका टाइम हो गया, आपकी इच्छा है रहना चाहे, आपका संसार है, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है आपको याद दिलाने की। संसार वालों को हम याद नहीं दिलाते, आपको दिला रहे हैं, जाना होगा सबको। इसलिए उधार करने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है उसी का ये सब परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। 10 साल के हो गए, 20 के हो गए, अब 40 के हो गए, अब तो 50 के हो गए, अरे नहीं कृपालु 82 के हो गए, अब तो सोचो। हाँ हाँ सोचेंगे, सिर हिलाए जा रहा है, अब सोचता नहीं माने प्रैक्टिकल नहीं करता। हाँ हाँ करता है, और ये खबर मिलती है आज वो चला गया है? अरे कल तो हमारे पास आया था। हाँ हाँ आया होगा आपके पास, लेकिन आज चला गया। तो ये मानव देह सबसे मूल्यवान इसलिए है कि ये कर्म योनि है, इसमें हम प्लस कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं भगवत प्राप्ति करें अगर हम ये कहें कि हमने कम साधना की, चलो हाई स्कूल तो किया, अब आगे इंटर में दाखिला होगा अगले जन्म में। और अगर हम ऐसे ही उधार करते चलेंगे तो फिर कोई क्षण नहीं है। आपका बेटा पढ़ लिख गया, हाँ तैयार हो गया, उसका ब्याह हो गया, सब हो गया, तो फिर आजकल आप क्या करते हैं, वो जो पोते वोते होते हैं ना हमारे बेटे के, उसी के लिए घूमते रहते हैं। आप तो कह रहे थे रिटायर होने के बाद हम केवल भगवत भक्ति करेंगे। अरे वो तो ठीक है, ऐसा है कि अब टाइम कटता नहीं, कटना है टाइम को। ये मानव देह का टाइम काटना है, किसी प्रकार खत्म हो जाए और कुत्ते बिल्ली गधे बने तब बढ़िया रहेगा। ये बड़ा खराब शरीर मिला है। और सचमुच एक बात है, इस शरीर में तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि नर तनु सम नहीं कवन उदेही जीव चराचर जाचत जेही। 7 सवाल किया गया था, तो एक सवाल पहला यही था कि सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो उसका उत्तर दिया कि नर तनु सम नहीं कवन उदेही। अच्छा क्यों, नरक बड़ी तारीफ कर रहे हैं मानव देह की, आप नरक लिख रहे हैं सबसे पहले,
कि ये इससे नरक नंबर वन का मिलेगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट शरीर है, क्योंकि नंबर एक का नरक उसी को मिलेगा जिसमें अधिक ज्ञान शक्ति होगी। अधिक ज्ञान शक्ति से अधिक बड़ा पाप कर सकता है मनुष्य, थोड़े ज्ञान से छोटा पाप करेगा, बड़ा नहीं कर सकता। एक कुत्ता चोरी करता है, किसी का खाने का सामान लेके भागता है, सब देख रहे हैं, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और मनुष्य कितनी योग्यता से बैंक में पहरा लगा है और चोरी हो गई, लॉकर खुल गए, ऐसी ऐसी तरकीबें निकाल लेता है मनुष्य कि कोई गवर्नमेंट दुनिया भर की कुछ नहीं कर सकी। करप्शन सारे संसार में बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, कुछ परिणाम नहीं। तो अगर बड़ी बुद्धि से अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरा काम भी सबसे बड़ा होगा। अगर कोई गाड़ी धीरे धीरे चलाता है तो एक्सीडेंट होगा तो मामूली होगा, वो ब्रेक लगा देगा, और अगर बड़ी स्पीड में दोनों गाड़ियां लड़ेंगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। तो ये मानव देह ज्ञान प्रधान है, ऐसी कोई खास बात नहीं, ये तो कहते हैं लोग। ज्ञान प्रधान तो देवताओं का शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर में हम कर्म कर सकते हैं, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, अपना जो वास्तविक एम है परमानंद का वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं किया तो फिर नरक नंबर एक। और कोई कोई बुद्धिमान जो हुए, पाप नहीं करेंगे हम तो पुण्य करते हैं, तो स्वर्ग। एक कम मूर्ख है, मूर्ख है, कम मूर्ख है, नरक से स्वर्ग अच्छा। नरक स्वर्ग अपवर्ग। और जो ज्ञानी लोग हैं उनको मोक्ष मिलता है, हाय वो भी नहीं अच्छा, लेकिन नरक स्वर्ग से तो अच्छा है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ये सीढ़ी है मानव देह से। और कोई कोई उससे भी आगे निकल गया अगर, तो ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, तो भक्ति पाता है। इसलिए मानव देह बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने में तो बहुत निकृष्ट है, न शकल अच्छी है किसी की और न भीतर अच्छा है शरीर के, सब गंदगी भरी है। जैसे कोई घोर गंदी गंदी चीजों को एक बड़े पोटली में बांध के बंद कर दे और बाहर से इत्र लगा दे, और अगर कोई शरीर को खोल के देखे तो देख नहीं सकता, नाक को बंद करके भागना पड़ेगा, ऐसा शरीर है मनुष्य। लेकिन पाट कीटते हो ताते पाटंबर रुचिर, कृमि पाल सब को परम अपावन प्राण सम। रेशम के कीड़े के पाखाने से रेशम बनता है। और कर्मकांड में बड़ा पवित्र माना जाता है, इसलिए उस कीड़े को लोग पालते हैं शहतूत के वृक्ष में, बहुत सावधानी के साथ कि खूब पाखाना करे तो रेशम बने। तो मनुष्य शरीर में गंदगी है, सब कुछ है, लेकिन कर्म करने का जो अधिकार है, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, नमानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते, नारद पुराण। मनुष्य शरीर को छोड़कर और किसी शरीर में तत्वज्ञान नहीं हो सकता, तत्वज्ञान।
तत्व ज्ञान से ही तो आनंद मिलेगा। तत्व ज्ञान ही तो हमको नहीं है बस। इसलिए देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। एक क्षणभंगुर है, देखिए बुराई कर रहे हैं, एक क्षणभंगुर है शरीर, लेकिन दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है क्षणभंगुर चीज और दुर्लभ। हाँ, इसलिए कि इस क्षणभंगुर शरीर में हम इतना प्रयत्न कर सकते हैं कि अगले जन्म में कम से कम यही शरीर फिर तो मिल जाए, कुकर शुकर योनियों में न जाना पड़े, और अधिक परिश्रम करें तो भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। बड़े बड़े पापात्माओं ने उसी जन्म में भगवत प्राप्ति किया है। आप लोग इतिहास से परिचित हैं, ये सूरदास हैं, ये तुलसीदास हैं, घोर संसार आसक्त। और अगर मानव देह दुर्लभ है और मिल गया है तो आधी कृपा है भगवान की, क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो समझ ले आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करें उसके लिए, नहीं समझ सकता। उसको बेचारे को ये संसार वाले बर्बाद कर देते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटा जो भी संसार के लोग हैं। मैं तुम्हारा बाप हूं, पहला वाक्य, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, बोल मम्मी, ये सब फंसा रहे हैं उसको, बर्बाद कर रहे हैं। तू का एक बाप है, काहे की माँ है, कब से हो गया बाप तू, तूने उसको बनाया है मां के पेट में, उसका हाथ पैर रचा है, क्या किया है तूने, तूने तो विषय भोग किया है। वो बालक तो भगवान ने बनाया उसको मां के पेट में, और भगवान ने ही पालन किया। हम बाप हैं, हम मां हैं, अनंत जन्म बीत चुके। अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन रोने लगा, गीता ज्ञानी, भगवान ने जान लिया, क्या है रे क्यों रो रहा है, देखो ऐसा है कि एक बार दिखा दीजिए उसको, किसको, अभिमन्यु को। अरे इतने दिन तो देखता रहा, पेट नहीं भरा, एक बार और देख लेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ भी हो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छा देख, बुलाया अर्जुन ने, हाथ बढ़ाया, बेटा, डांटा उसने अर्जुन को, उन्होंने कहा अर्जुन तू भी मेरा बेटा बन चुका है 50 बार, मुझे अब बेटा मत कहना, तू जिसका बाप है वो तो मैं वहीं छोड़ आया था, अचार डाल ले उसी का, तू कैसा हमारा बाप। यही इतने जीव जो हैं संसार में, यही एक दूसरे के बाप बेटे स्त्री पति बनते रहते हैं। अगर आज हमारा बाप मरेगा तो कहां जाएगा, हमारे तो बेटा बनेगा, क्योंकि अटैचमेंट उसका हमसे है, जहां अटैचमेंट होता है उसी की प्राप्ति होती है। आज हम अपने बाप की पूजा कर रहे हैं, कल वो हमारा बेटा बन के आएगा तो हमारी पूजा करेगा। यही सब घूम घूम करके 84 लाख में अनंत बार बाप बेटे स्त्री पति बन चुके, कहाँ आए हो, अब कहता है ये हमारा बाप है। अरे कितने बार कह चुका और तमाम जन्मों में, ये मेरा बाप है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी कोठी है। किसकी रही,
जब शरीर नहीं है तेरा तो फिर ये सब कहाँ रहने वाला है। तो भागवत कहती है ये विदेह निमि राजा ने प्रश्न किया था नौ जोगीश्वरों से। ऋषभ के 100 बच्चे थे, उसमें से 81 बच्चे तो कर्मकांडी निकल गए, वेदों के बड़े ज्ञाता थे और यज्ञ वगैरह करने लगे, और 9 राजा बन गए। और ये 9 योगीश्वर बन गए, कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसा कर भाजना। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। ये 9 योगीश्वरों के नाम है। तो उसमें पहला योगीश्वर कवि, तो विदेह कवि से पूछते हैं कि महाराज मानव देह बड़ा दुर्लभ है लेकिन क्षणभंगुर है, लेकिन दूसरी कृपा अगर और मिल जाए मानव देह मिलने के अलावा, वो कौन सी? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कोई महापुरुष मिल जाए, भगवान का भक्त मिल जाए और हम मान लें उसको, ये भक्त है। दोनों शर्तें मिलते तो सब रहते हैं, अरे भक्तों को, भगवान के संतों को तो छोड़ दो, भगवान ही आपके हृदय में बैठा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मनात्मा। लेकिन किस काम का है? आपको अनंत बार बताया हर जन्म में संतों ने, ग्रंथों ने, कि भगवान अंदर बैठा है, सदा बैठा रहता है, नरक में जाओगे तो भी वो अंदर रहेगा। किसी ने माना? इन एग्नों ने माना, तुलसी सूर मीरा कबीर ने, बाकी ने सुन लिया। हाँ होगा, क्या करना हमको? क्या करना? अरे वो तुम्हारा सब कुछ है, तुम माँ बाप बेटे को तो रिश्तेदार मानते हो, और जो सनातन रिश्तेदार है उसके लिए इतने लापरवाह हो? हाँ, कोई फीलिंग नहीं किसी को, अगर हुई भी कहीं 2 को तो क्या होता है? हम जितने पाप करते हैं क्यों करते हैं ये भूल जाते हैं, वो अंदर बैठा नोट कर रहा है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। हम कोई गलत काम, कोई पाप क्यों करते हैं? जब ये भूल जाते हैं, हमारे अंदर श्याम सुंदर सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वांतरयामी सर्वशक्तिमान वो बैठा नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम में। वो नोट कर लेगा तो फिर कृपा कैसे मिलेगी? हम जो प्राइवेट सोच रहे हैं, बड़ी बुद्धि दिखा रहे हैं, हमारा ख्याल ऐसा है कि अरे क्या तुम्हारा ख्याल वहां नोट हो गया? तुमने जो अपना ख्याल बनाया था प्राइवेट, वो नोट हो गया और उसका फल मिलेगा। कोई भगवत प्राप्ति भी कर ले तो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो यदि मानव देह के साथ साथ महापुरुष भी मिल जाए और हमारी बुद्धि उसको एडमिट कर ले 100%, बस हो गया, गया उधार गोलोक के लिए, अब कोई नहीं रोक सकता उसको। तो पहले तो हम मानते ही नहीं किसी को महापुरुष, और माना भी हाँ है तो महापुरुष ही है। अरे नहीं, कोई महापुरुष नहीं है, लेकिन है तो जरूर। अरे नहीं, हटाओ, कोई नहीं। ये हमारी बुद्धि का वैलक्षण्य है। इसलिए तमाम संत, जितने संत हुए अनादिकाल से अब तक, हम लोग भी तो थे, कोई आज नए नहीं आए हैं हम, सब शंकराचार्य बल्लभाचार्य निम्बार्काचार्य को हम लोगों ने देखा है, उनकी स्पीच सुनी है,
और सिर हिलाया है। बात बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई, वाह क्या बढ़िया समझाते हैं। लेकिन अहंकार को देहाभिमान कहते हैं, सबसे बड़ा खतरनाक, ये झुकने नहीं देता और अकड़ने को तैयार रहता है। अगर झुक जाएंगे तो फिर हमारी पर्सनैलिटी क्या रह जाएगी, चार आदमी में जो हमारी प्रतिष्ठा है। भगवान के सामने भी नहीं झुकना चाहता, संत के सामने भी नहीं झुकना चाहता। एक दिन में भले ही नमस्कार कर ले लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मानव देह हर प्रकार से निंदनीय है, लेकिन एक प्रकार से वंदनीय है, अगर वो इसका मूल्य समझ ले और किसी महापुरुष के शरण में जाकर उसको महापुरुष मानकर उसके बताए साधन पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। निर्दयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक, रामायण में इसका अनुवाद कर दिया। नारद अनुभव बारिधि कहु बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो अकर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सदगुरु भी मिल गया, अब और क्या पाना बाकी है? अब एक और पाना बाकी है क्या? वही साधना करके भगवत प्राप्ति करा दे हमको, यानी साधना करें गुरुजी और भक्ति की प्राप्ति हमको हो जाए, इतना और कृपा कर दे। अरे वो तो बड़े दयालु है, ये चमचागिरी नहीं काम करेगी, ये तो अपने आप को करना पड़ेगा आपको। यही तो जिद्द है हमारी, वो कृपा करके करा दे। हम कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं तुम्हें करना होगा। तो इस प्रकार मानव देह पाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यानी हम ऐसा शरीर पा चुके हैं जिसको इंद्रादिक चाहते हैं कि मिल जाए। इंद्रादिक मनुज देह मिमं भूभि दुर्लभं समधि गम्य सुरई रपि बांछितं। वे भी चाहते हैं, किसी पर कितनी कृपा कर दे कोई और अगर उसका मूल्य नहीं समझता तो क्या उनका तो काम ही है कृपा करना, करने ही चाहिए, इसने क्या एहसान किया उन्होंने। हेलो उन्होंने बड़ी कृपा की, तत्व ज्ञान दिया तुमको, करोड़ों कल्प शास्त्र वेद पढ़ करके इतनी लंबी उम्र पाकर भी तुम समझ नहीं सकते थे अपने आप पढ़ करके वेदों को शास्त्रों को पुराणों को, उन्होंने ज्ञान कराया। हाँ हाँ कराया ठीक है, तो उनकी ड्यूटी है कराया। हाँ बाप ने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया तो बेटा कहता है अरे उनको भी तो किसी ने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है, बराबर हो गया। हाँ ऐसे कृतघ्नि जीव भला भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में कितना आगे बढ़ेंगे। देवता भी चाहते हैं मानव देह, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है सबसे पहले। चलो कहां चलोगे? तीन प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कृत स्मृत विनिर्गत।
एक तो मनुष्य की अपनी बुद्धि से बनाए हुए सिद्धांत का ग्रंथ, अपनी बुद्धि से सोच करके। पाश्चात्य दार्शनिक जितने भी हुए हैं, बर्कले, फिक्टे, प्लेटो, कांट, सब ये लोग अपनी बुद्धि से बनाए हैं सिद्धांत। ये कृत ग्रंथ कहलाते हैं, यानी मायाबद्ध जीव मामूली माइक बुद्धि से सोच करके कोई चीज बनावे। ये तो 100% गलत। दूसरा होता है स्मृत ग्रंथ, उसमें योगी लोग, संत लोग, ये उन वेदों के द्वारा समझ करके अपने शब्दों में उसको लिखते हैं, वो शास्त्र कहलाते हैं। और एक होता है विनिर्गत ग्रंथ, वो भगवान के द्वारा प्रकट किया जाता है, भगवान भी बनाते नहीं। कहा जाता है भगवान का वाक्य है वेद, लेकिन है वे नहीं। अनादि निधना वेदा, वो अनादि है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जैसे सब जीव भगवान में समा जाते हैं, ऐसे ही वेद भी समा जाता है। और जब सृष्टि होती है तो सब जीव प्रकट किए जाते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा वेद भी प्रकट किया जाता है। और फिर उसका अर्थ भी बताते हैं भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ये विनिर्गत ग्रंथ है। तो विनिर्गत ग्रंथ जो है वो अंतिम अथॉरिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। वेदों के द्वारा हम लोग तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत वेदा ब्रह्मात्म विषया। ब्रह्म के समान वेद है, अज्ञे कोई नहीं जान सकता, सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते, जो बुद्धि की अथॉरिटी है। मनुष्य क्या जानेगा बेचारा, उसकी तो 3 गुण की बुद्धि है और वेद तो दिव्य। फिर गाड़ी रुक गई, हम तैयार भी हुए जानने को तत्व ज्ञान के लिए, तो वेद ने कहा, वेद कह रहा है कि हमसे ज्ञान प्राप्त करो, और फिर वेद कह रहा है कि हमसे तुम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, वेद कहता है, साठ्यायिनी उपनिषद का 4th मंत्र, जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और जब जानने चले तो वेद ने कहा, ए रुको, उत्तिष्ठत जाग्रत, अरे साहब उठ गए, जाग गए, बोलो, प्राप्य बरान निबोधत, प्रैक्टिकल मैन महापुरुष के पास जाओ, उससे समझो। अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे तो जानते हो क्या होगा। हाँ क्या होगा, अगर तुम्हारी सात्विक बुद्धि है तो सात्विक अर्थ करोगे, राजस बुद्धि है तो राजस अर्थ करोगे, तामस बुद्धि है तो तामस अर्थ करोगे, और तीनों अर्थ गलत है। इसलिए प्राप्त बरान निबोधत, महापुरुषों के पास जाओ, वो जानते हैं मेरा अर्थ, उनसे समझो। ठीक है, और पता लगा लो। मुंडकोपनिषद भी यही कहता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले मुंडक के 2nd खंड का 12वां मंत्र, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, 2 शब्द लिखा वेद ने,
श्रोत्रिय मैन थ्योरिटिकल मैन, जो शास्त्र वेद का इतना ज्ञान रखता हो कि हमको समझा सके। खाली ज्ञान रखता हो इससे काम नहीं बनेगा। हम समझते हैं, अरे तो हमको भी तो समझाओ, हम समझा नहीं सकते, समझते हैं। ये समझ लेना 99 आदमियों में हो सकता है, समझाना ये 100 में 1 में योग्यता होती है जो किसी के गधे के दिमाग में भर दे। कठिन काम है वो। तो ऐसा श्रोत्रिय हो जो हमारी शंकाओं को निकाल दे, हमको बोध करा दे, बिल्कुल शांत हो जाए, हमें ये करना है। और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ माने प्रैक्टिकल मैन, यानी भगवान को प्राप्त किया हो। ऐसा महापुरुष अगर हमको मिल जाए, हम उसकी शरण में हो जाएं, दो शर्त। महापुरुष तो अनंत बार मिले हमको, लेकिन हम शरण में नहीं गए उनके। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि हम अपने अपनी बुद्धि लगाई, देखे कौन है वो महात्मा जी, देखे लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, ये क्या देख रहे हो? अरे हम देख रहे हैं, हम साइकोलॉजी है हमारी, हम सब परखेंगे। अरे तो ये बाहर से क्या परखेगा तू? वो महापुरुष तो अंदर से है, बाहर से थोड़े ही है। अष्टावक्र एक संत हुए हैं, तो जब माँ के पेट में थे तभी उनको सब वेदों का ज्ञान था। तो जब बाहर उनके पिताजी वेद मंत्र पढ़े तो अंदर से गए, पिताजी गलत बोल रहे हैं आप। बार 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 टोका जब बाप को, तो बुरा लगा बाप को, उसने कहा जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। टेढ़ा हो गया 8 जगह से। सोचिए आप लोग, ये 6 फुट का आदमी 8 जगह से टेढ़ा होगा तो 1 फुट भी नहीं आएगा, कितना टेढ़ा होगा। तो वो गए जनक की सभा में, तो उनको देखते ही सारे बड़े बड़े वेदों के विद्वान हंसने लगे। अरे हंसी तो आई जाएगी, 2 जगह से टेढ़े को देख के हम लोग हंसते हैं, तो 8 जगह से टेढ़ा। तो ऐसे देखा उन्होंने और देखकर कहा, जनक तेरी सभा में सब चमार रहते हैं, आप इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मर्षि। उनको बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा जनक एक कौन पागल आकर के हम लोगों का अपमान कर रहा है और आप सुन रहे हैं? तो जनक तो परमहंस थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा आप लोग बुरा न मानिए, इनसे पूछिए कि क्यों कह रहे हैं। तो पूछा बड़े क्रोध में, हमको आप चमार कैसे कहे? उन्होंने कहा चमार चमड़े का विज्ञान विशेष रखता है, और जितने चमड़े होते हैं उनका काम करता है वो, इसलिए उसमें विशेष योग्यता होती है चमड़े को परखने की। तो तुम लोगों ने हमारे शरीर के चमड़े को देखा, हर जगह से टेढ़ा। अब किसी की हिम्मत हो तो सामने आओ, हम वेदों का क्वेश्चन करते हैं। और वो बोल गए वेदों के तमाम बातें बारीक बारीक, जो पंडितों के दिमाग में कभी नहीं आई थी। साहब दंग रह गए। तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, कहीं जाते हैं किसी महात्मा के पास, जो उसके शरीर की शक्ल देखेंगे, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, किधर को देखता है। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं, हमारा पैमाना है, हम लोग संसार में इसी से काम करते हैं। अरे तो संसार में तो करो ठीक है, लेकिन भगवान और महापुरुष के यहाँ ये करोगे तो बेमौत मरोगे, वो और उल्टा व्यवहार कर देंगे। जब वो देखेंगे कि तुम उनकी परीक्षा ले रहे हो तो और उल्टा कर देंगे वो, कि तुम फौरन भाग जाओगे वहां से। जार चित्त कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जिसके हृदय में श्याम सुंदर का दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है, उसके वाक्य, उसकी क्रिया, उसका एक्शन
विज्ञे न बुझे, परमहंस भी नहीं जान सकता। तुम क्या जानोगे संसारी आदमी। भत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्तमा स्फुटम नृपशुभिर। ये मनुष्य तो पशु के समान है, इसकी बुद्धि तो कुछ है ही नहीं। जैसे पशु की बुद्धि ऐसे मनुष्य की, वो अहंकार कितना ही किए बैठा है लेकिन है माइक बुद्धि सब। अब माया के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया है तो माया का। वो अपने एरिया वालों में बहुत बड़ा कहता है मैं ज्ञानी हूं, लेकिन वो ये एरिया ही अज्ञान का है तो तुम ज्ञानी कैसे हो? कोई भी हो। तो महापुरुष मिले तो तत्व ज्ञान हो, कंक्लूजन ये। तद्विद्ध प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उसी वेद का अनुवाद कर दिया। अरे वक्ता तो वही है भगवान। उन्होंने कहा देखो महापुरुष की शरण में जाओ। नंबर एक प्रणिपात, खाली पात नहीं, पात माने सिर को पैर पर रख दिया, और निपात माने सदा के लिए रख दिया, और प्रणिपात माने मन के सहित शरीर को रख दिया, सिर को रख दिया। ये सरेंडर है असली, इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर परिप्रश्ने न, प्रश्न न करना उनसे, परिप्रश्न करना। परिप्रश्न माने जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना, जानने की इच्छा से, नम्रता पूर्वक। ऐसे नहीं देखें तो क्या जवाब देते हैं, ऐसे नहीं पूछना, नहीं उल्टा जवाब दे देंगे। वो अंतर्यामी भी हैं। और सेवाया, और फिजिकल सेवा भी करो उनकी अपनी शक्ति के अनुसार। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो वेदों का शास्त्रों का ज्ञान तुमको उपदिष्ट करेंगे, उपदेश देंगे। कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। थ्योरेटिकल मैन और प्रैक्टिकल मैन दोनों हो ऐसे ज्ञानी से तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयो उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मंड उपसमाश्रयम्। ग्यारहवें स्कंद के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक भागवत। यहां भी वही दोनों शब्द बोले, शाब्दे परे च। शाब्दे माने थ्योरिटिकल मैन हो, और परे माने प्रैक्टिकल मैन हो, उसकी शरण में जाओ। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवता। ग्यारहवें स्कंद के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक। भागवत धर्म का श्रवण करना। गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं, कर्म धर्म के उपदेशक भी गुरु होते हैं, योग के उपदेशक भी गुरु होते हैं, नहीं केवल भागवत धर्म का उपदेश सुनना। गुरु से कह देना महाराज हम योग योग के काबिल नहीं है, और अगर हो भी जाए तो बिना भक्ति के योगी को 84 लाख में फिर घूमना पड़ता है। देख चलो मान लो कोई गुरु मिल गया आपको बाय चांस या भगवत कृपा से। दो रीजन होते हैं, एक भाग्य एक भगवत कृपा। ये मनुष्य शरीर मिलने में या गुरु के मिलने में दो शर्तें हैं। एक तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मिलता है,
और भाग्य ही से नहीं मिलता। कबहू ककरी करुणा नर देही देत ईश, भगवान कृपा करके देते हैं। ऐसे ही गुरु भी जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए, जब भगवान कृपा करें तो साधु मिले संत मिले, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अपुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। सुर बड़े पुण्य हो तब कहीं संत मिलता है, क्योंकि सत संगति संस्कृति कर अंता। असली संत का असली संग हो जाए तो संस्कृति माया समाप्त। असली संत का असली संग मन का सरेंडर, ये मन बुद्धि का दान करना होगा, ये शरणागति है। भगवान के प्रति हो चाहे गुरु के प्रति हो चाहे माँ बाप गधे के प्रति हो, शरणागति का अर्थ है अपनी बुद्धि को बेच देना। वो जो कहे वो ठीक, क्यों क्यों नहीं सोचना, सोचना नहीं बोलना तो दूर की बात। वाल्मीकि को उनके गुरु ने कहा राम राम करो, नहीं बोल सका। क्यों जी, आप लोगों ने कभी सोचा हमको 6 अरब आदमी में एक आदमी ला दो जो रा बोल सके, माँ बोल सके, गूंगा ना हो, और मरा बोल सके और राम न बोल सके। कितने बड़ा पापी था वो कि राम बोलने से इतना बड़ा उसको परहेज था। तो उनको पट्टी पढ़ा दिया गुरुजी ने कि अच्छा तुम मरा मरा कहो तो माँ के बाद राम राम हो ही जाएगा अपने आप, और जब तक मैं लौट के ना आऊं ऐसे जब करते रहना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े आप लोग समझदार हैं, लेकिन ऐसा आपका गुरु कभी कह दे तो आप तुरंत पूछेंगे कब आएंगे आप लौट के। 4 दिन 6 दिन 4 महीना 6 महीना 4 साल 6 साल कुछ तो बताओ गुरु जी, हम पागल की तरह ऐसे राम राम करते रहे। नहीं, उसको पालन करना है। शरणागति वाले को बुद्धि नहीं लगाना। सारी गीता क्या है, अर्जुन ने बुद्धि लगाया मारूंगा तो पाप होगा तो नरक होगा। भगवान से कह रहा जो पाप पुण्य का फल देने वाला है उसी को लेक्चर दे रहा। और चालाकी है कि ये कहता है मैं आपको सखा वखा नहीं मानता, भगवान भी नहीं मानता, गुरु मानता हूं, शिष्यस्ते हम। इतना ज्ञान तो है, चालाक है कि शिष्य कहेंगे तो फिर गुरु को उपदेश करना पड़ेगा, और भगवान कहेंगे तो वो कहेंगे गुरु के पास जाओ। अरे भाई तो तुम शिष्य हो, प्रपन्न बोल रहे हो तो फिर बुद्धि क्यों लगा रहे हो? बुद्धि ना लगाओ इसके लिए 18 अध्याय का लेक्चर। अब आखिर में फिर वही बात, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अरे वो तो पहले ही कह रहा है हम शरण में शिष्य है आपके। हाँ लेकिन पहले अपनी बुद्धि लगा रहे थे ना, तो माम एकम, अपनी शरण में ना रहो, केवल मेरी शरण में आओ। ये बुद्धि देवी जो हम लोगों की है, वो चाहे हाई स्कूल हो चाहे वो डीलिट हो चाहे वो तमाम शास्त्र वेद याद कर ले, ये बुद्धि का जो अहंकार है तो सब माइक, इसकी गति कितनी दूर, वो नम्र नहीं होने देती, शरणागत नहीं होने देती, रुकावट डालती है। इसलिए वेद व्यास ने यहां तक कहा यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबुभव सुख में धेते क्लिष्ट्यत्यंतरितो जना। या तो घोर मूर्ख हो वाल्मीकि की तरह,
जो कहा गुरुजी ने बस करते रहो, सोचो मत आगा पीछा कुछ। एक बुढ़िया को एक पंडित जी को पूजा करते देख के कुछ मन में भावना आई कि ये पंडित जी रोज रोज ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, इनसे पूछें। गई, पंडित जी आप ये क्या करते हैं रोज? उन्होंने कहा क्या करते हैं? अरे भगवान की पूजा करते हैं, और क्या करते हैं? तो मैं नहीं कर सकती क्या? तू क्या करेगी बेपढ़ी लिखी? अरे नहीं पंडित जी, आप बताओ ना, हम भी करेंगे। वो मूर्ति है, पत्थर तो सब जगह मिलते ही है, मूर्ति तो कोई बात ऐसी है नहीं क्या, वो स्पेशल चीज है। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, जिद पर अड़ गई। तो वो भांग घोटने का भंग घोटना था उसके पास, पंडित के पास भंगेड़ी था। उसने कहा ले इसी को, ठाकुर जी हैं, इनको खिला के कब खाना खाना, ऐसे पूजा करना पाठ करना। वो ले गई घर में बड़ी हिफाजत से ऐसे ठाकुर जी को, ठाकुर जी मान करके, उस पत्थर को ठाकुर जी मान करके। एक दिन गांव वालों ने मजाक किया, उन्होंने कहा ए बुढ़िया, वो भेड़िया आया है गांव में, अपने लाला को संभाल के रखना। उन्होंने लाला को सुला दिया खाट पर और दरवाजा बंद करके लठिया लेके बैठ गई आगे, आवे भेड़िया। रात भर बैठी रही। गांव वालों ने कहा है तो बड़ी बुरी बात है, हम लोगों ने मजाक किया और बिचारी सारी रात लठिया लेके बैठी रही बाहर। दूसरे दिन फिर बैठी रही। बस दो चार दिन में भगवान तो जल्दी से पिघल जाते हैं, बहुत कमजोर हार्ट है उनका। तो आए और भेष में और गए, मैया ये तू रात भर जागती है क्यों ऐसे? अरे रे क्या बकबक करता है, क्यों क्यों क्यों? हमारा वो लाला जो है वो सो रहा है, वो भेड़िया आने वाला है, गांव वाले कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे भेड़िया उड़िया कह नहीं आएगा, तू कौन है बोलने वाला? तो भगवान प्रकट हो गए। अरे आप भगवान? हाँ। गोलोक चलेगी? वहां भेड़िया तो नहीं है? भगवान ने कहा नहीं, वहां भेड़िया उड़िया नहीं है, तू चल अब अपने लाला को भी ले चल उनके अपने साथ। तो केवल शरणागति ही सब कुछ है, बशर्ते कि उसमें लेकिन चूंकि मगर किंतु परंतु लगाया ना जाए। वही आदत है हमारी, बहुत ही बिगड़ी हुई आदत, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है ये। बार बार फील करते हैं कि क्यों बुद्धि लगाते हैं, फिर लग जाती है। इसी के लिए अभ्यास बताया अर्जुन को भगवान ने कि अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य से गृह जते। अभ्यास करना होगा अर्जुन, बहुत बिगड़ी हुई चीज है तो उसको अभ्यास से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो महापुरुष की शरणागति, अगर कोई महापुरुष मिल भी जाएगा और आप शरणागत हो जाएंगे तो वो बताएगा तत्व ज्ञान। नंबर एक, ध्यान से सुनो, तीन तत्व होते हैं, तीन तत्व, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बिहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्चतुरोपनिषद पहले अध्याय का छठवां मंत्र। एक ऐसा तीन तत्व होते हैं, एक वो, एक मैं, एक ये है। वो माने भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अनेक नाम, और मैं, इसका नाम जीव। जीव क्यों, इसका नाम जीव क्यों रख दिया? इसलिए जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे उसको जीव कहते हैं।
तो ये जीव स्वयं भी अनंत काल तक जीवित रहेगा और जहां जिस शरीर में रहे कुत्ता बिल्ली हाथी गधा सबको जीवित रखेगा, इसलिए जीव है। और एक ये है माया, ये तीन तत्व है। फिर वेद ने कहा संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरञ्च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावा ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का आठवां मंत्र, इसका भी वही भावार्थ है। एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक माया, ये तीन तत्व है। जब जीवात्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तो माया समाप्त हो जाती है और जीव को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहा व्याग्यौ द्वाबजा विशनीषा बजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्य कर्ता त्रयम जदा बिंदते ब्रह्म में तत्। इसका भी वही अर्थ है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है और एक जड़ माया है। सर्वज्ञ भगवान, अल्पज्ञ जीव और माया है जड़। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का नौवां मंत्र। फिर वेद ने कहा क्षरम प्रधानम अमृता क्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का दसवां मंत्र। एक क्षर है, एक अक्षर है, यानी वही एक माया है, एक जीव है और एक क्षरात्माना विशते देव एका। माया और जीव दोनों पर शासन करने वाला, नियामन करने वाला एक परमात्मा है। उसके तस्याभिध्यानात् उसके ध्यान करने से, योजनात् उनमें मन का अटैचमेंट करने से और एक हो जाने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फिर कहता है वेद अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा जमानाम स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। आज आज अजा आज भगवान जिसका जन्म न हो, प्रारंभ न हो, वो आज, और आज जीव भी आज। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हाय बाप। संसार में कोई बाप बेटे से सीनियर ना हो कोई मानेगा? लेकिन भगवान क्या है, ऐसा है, वो भी अनादि हम भी अनादि, वो भी अज हम भी अज और यह भी अजा अजा माया, इसका भी जन्म नहीं है, प्रारंभ नहीं है। ये तीनों अज हैं और जो अज तत्व को जान लेता है इस अजा को छोड़ देता है भुक्त भोगाम और उस अज को पकड़ लेता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इन वेदों के द्वारा तो ये मालूम हुआ कि एक जीवात्मा है और इसके अलावा दो बचे, एक परमात्मा एक माया। अब ये पता लगाना है कि वो ब्रह्म क्या है, कैसा है। तब इसके लिए मुंडकोपनिषद में चलिए। भृगुरु वैवारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के अपने बाप से पूछते हैं, उनके बाप महापुरुष थे, खाली बाप ही नहीं थे, इसलिए गुरु भी उन्हीं को मान लिया उन्होंने और कहा अधि ही भगवो ब्रह्म,
पिताजी भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक मुंडकोपनिषद, जिससे संसार की उत्पत्ति हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान, ब्रह्म, परमात्मा। अच्छा, समझ गए? नहीं पिताजी, ठीक से नहीं समझे। तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, साधना करो जाओ। ऐसे कैसे सुनने से समझ में आ जाएगा? साधना करो। हो गए साधना करने और साधना करके लौटे तो उन्होंने कहा कि गुरुजी समझ गए। अच्छा बोलो क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेति बिजानात अन्ना देव कल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्निन्न जातानि जीवन्ते अनन्तं प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। अन्न ब्रह्म है, अन्न ये रोटी दाल चावल, इससे संसार पैदा होता है, इससे संसार की रक्षा होती है और इसमें संसार का लय होता है। मोटी अकल में तो ठीक लगता है। हाँ तो बोले नहीं वरुण, बोले ही नहीं। गुरुजी आप बोले नहीं कुछ, साधना करो, अभी नहीं समझे। फिर गया बेचारा साधना करने, और बहुत दिन साधना करने के बाद लौटा। हाँ गुरुजी वो गलत कहा था हमने, आप समझ गए। क्या समझे? प्राणो ब्रह्मेति बिजानात प्राणात् देव कल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। प्राण ब्रह्म है, प्राण से संसार उत्पन्न होता है, प्राण में लय होता है। फिर मुस्कुराते रहे पिताजी, बोले नहीं। क्या गलत कहा मैंने? जाओ साधना करो। फिर क्या, अब क्या गड़बड़ है? फिर साधना किया तो कहा मनो ब्रह्मेति बिजानात, मन ब्रह्म है, मन से संसार उत्पन्न होता है और मन से संसार की रक्षा होती है और मन में संसार का लय होता है। फिर वरुण चुप रहे। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ साधना करो। फिर गए, अब की बार बड़े जोर से आए। विज्ञानम ब्रह्मेति बिजानात विज्ञानात् देव कल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। तीसरे बल्ली का पांचवा अनुवाक, पहले कहा अन्न, फिर कहा प्राण, फिर कहा मन, फिर कहा विज्ञान। विज्ञान माने आत्मा, ये जीव, ये ब्रह्म है। फिर भी नहीं वो बोले कुछ, डांट के कहा, बार बार कहता हूं तपस्या कर, साधना करके तब निश्चय कर ब्रह्म कौन है। फिर गया, अब की बार वो समझ गया। आनंदो ब्रह्मेति बिजानात आनंदात् देव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है गुरुजी। हाँ बेटा अब समझा, आनंद से संसार पैदा होता है, आनंद में संसार लीन होता है। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म में आनंद है, ऐसा तो बोलते हैं समझाने के लिए। अगर ब्रह्म में आनंद है ऐसा सिद्धांत मान ले तब तो इसका मतलब ब्रह्म अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला में एक गुल्ला होता है छेने का और एक रस होता है। गुल्ला रस में डुबो दिया
तो गुल्ला मीठा हो गया, रसगुल्ला हो गया। तो क्या भगवान नाम की कोई सूखी चीज है उसमें आनंद आ गया तो आनंद युक्त हो गया? ऐसा नहीं। आनंदे वाधस्ताद आनंद उपरिष्टाद आनंद पुरस्ताद आनंद पश्चात आनंदो दक्षिणता आनंद उत्तरता आनंद ये वेदम सर्वम। भगवान किसे कहते हैं? जिसके बाहर आनंद, भीतर आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पश्चिम आनंद, पूर्व आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है और कुछ है ही नहीं। ये जो शरीर दिखता है रामकृष्ण का, अरे ये भी आनंद है, हाड़ मास नहीं है। आनंद मात्र मुख पाद करो सब शरीर का अंग आनंद ही आनंद है। जैसे आप लोग देखते हैं दिवाली में मिठाई बनती है, चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी। अरे वो घोड़ा हो, हाथी हो, साहब हो, मेम हो, कुछ भी खाओ, एक चीज है उसमें चीनी चीनी है और कुछ है ही नहीं। शकल हो गई है राम की, कृष्ण की। वो शकल से आनंद की शकल है, वो आनंद का स्वरूप है। सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद शरीर रूप में बन गया। ठीक, तो आप समझ गए भगवान का असली रूप क्या है। परिभाषा आनंद, भगवान माने आनंद, भगवान में आनंद है। ये भी बोल सकते हो समझने समझाने के लिए, लेकिन आनंद ही भगवान, भगवान ही आनंद, बस। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध हुआ कि हम उसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। हाँ, कहाँ लिखा है? सर्वत्र। वेद कहता है सहस्र शीर्घा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्पृत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य शानो यदन्ने नातुरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र है। पादोस्य विश्वाभूतानि, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के 1/4 अंश से व्याप्त है। और त्रिपादस्यामृतं दिवि, और 3/4 दिव्य है। और उन्हीं भगवान ने तो गीता का उपदेश किया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और सनातन, सनातन अंश हैं। एक दिन अंश हुए? ना ना, सदा से अंश हैं। विष्णु पुराण को लीजिए, विष्णु भक्त शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। 3 शक्तियां हैं भगवान की। एक परा, परा माने स्वरूप शक्ति, माने अंतरंग, यानी पर्सनल पावर, सबसे बड़ी शक्ति है वो। वो ऐसी शक्ति है, कान से देखें, आंख से सुने, सब उल्टा पलटा करें, कर्त मकर्त मन्यथा कर्तुम समर्थ, उल्टा करने में भी समर्थ। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा बक्ता बड़ जोगी, तानु बिनु परस नयन बिनु देखा,
ग्रहाई घ्रान बिनु बास अशेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी। अलौकिक, ये बुद्धि से लॉजिक मत ले जाना वहां, अलौकिक। महिमा जासु जाई नहीं भरनी, अपाणि पादो जमनो ग्रहीता पश्चात्य चक्षु सश्रुणो त्यकरणा सवेत्ति वेद्यम न चतस्यास्ति वेत्ता तमाहुराग्र्यम पुरुखम महांतम। वेद कह रहा है हाँ, वेद कह रहा है ठीक है, गीता भी कह रही है ठीक है, लेकिन कृपालु लेकिन लगाता है क्यों? क्यों जी, आपकी गीता में ही तो लिखा है नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यस्तर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातन। दूसरे अध्याय के 23वां 24वां श्लोक। ये ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े तो लिमिटेड चीज के होते हैं, और अगर टुकड़े मान लोगे तो आदि हो जाएगी जीव की, और अगर आदि हो जाएगी तो जिसकी आदि होती है उसका अंत होता है, फिर ये अनंत अव्यय सनातन नहीं रहेगा। जैसे एक पत्थर है उसके टुकड़े कर दिए हम, तो टुकड़ा एक दिन हुआ आदि हो गई, और फिर अगर ब्रह्म का टुकड़ा है तो जो गुण ब्रह्म में है वही होना चाहिए टुकड़े में। इतना बड़ा नमक का ढेर है उसको थोड़ा सा काट के हम खाएं तो जो गुण बड़े ढेर में है वही छोटे में होना चाहिए। तो बड़ा ढेर तो सनातन सर्वज्ञ अनंत आनंद युक्त, और हम फटीचर 84 लाख में घूम रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं आनंद की एक बिंदु के लिए, इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। अरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचेगा, ऐसा वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है। आप कहते हैं अंश है टुकड़ा है, हाँ ठीक कहते हो, हम उसको टुकड़ा इसलिए कहते हैं कि वो भगवान की शक्ति है। शक्तित्वे नांशत्वं व्यञ्जयति, शक्ति होने के कारण टुकड़ा कहते हैं। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तथा परेजमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता, दो शक्तियां हैं भगवान की, एक परा माने जीव और एक अपरा माने माया। ये परा माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ है क्योंकि चेतन है जीव, और माया जड़ है इसलिए अपरा है। इन दोनों शक्तियों का वो शक्तिमान है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा, वेद कह रहा है ना, वही गीता कह रही है। ये दो शक्तियां हैं भगवान कहते हैं मेरी, मैं इनका अध्यक्ष हूं, मैं गवर्न करता हूं इनको, स्वतंत्र नहीं है ये शक्तियां एक भी। तो शक्ति एक भगवान की हुई पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति, तीन शक्ति हो गई। हम किसके अंश हैं जी? तो पराशक्ति के तो अंश हम है नहीं, क्योंकि अगर पराशक्ति के अंश होते तो पराशक्ति के सारे गुण हमारे अंदर होते। नदी का पानी मीठा है और समुद्र का पानी खारा है, ऐसा क्यों? हम उसके अंश अगर होते तो जो जो गुण भगवान में हैं वही गुण हमारे अंदर होते, हम अल्पज्ञ ही न होते।
हम बंधन में ही नहीं होते, सबसे पहली बात तो ये। तो हम उनकी शक्ति है तो पराशक्ति के अंश नहीं है, तो फिर माया के अंश है। माया के अंश कैसे होंगे? माया तो जड़ है, हम चेतन है, माया के अंश नहीं हो सकते। एक मिट्टी है, जड़ है, उसका अंश ढेला, वो भी जड़ है। अब जड़ शक्ति का अंश चेतन कैसे हो जाएगा? असंभव। अरे तो हम भगवान की पराशक्ति के भी अंश नहीं है, माया के भी अंश नहीं है, किसके अंश है? ये भगवान की जो तीसरी शक्ति है, जो विष्णु पुराण में कहा गया जीव शक्ति, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। ये जो क्षेत्रज्ञ है जीव शक्ति, उस जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है। तो ब्रह्म चेतन है तो हम भी चेतन हैं, लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है, पराशक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश नहीं है, इसलिए मायाबद्ध है। और ये एक दिन मायाबद्ध हुए ऐसा नहीं, सदा से मायाबद्ध है। जब नारद जी ने वेद व्यास से कहा भागवत की रचना करो, कहा जैसी आज्ञा, लेकिन है? लेकिन हाँ, पहले भक्ति करो, भगवान को, जीव को, माया को, सबको देखो प्रत्यक्ष, तब भागवत की रचना करो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम और मायां च यदपाश्रयाम और यजा सम्मोहितो जीव। साधना करके वेद व्यास ने तीन चीजें देखी, एक तो भगवान को देखा, एक जीव को देखा जो माया के अंडर में था, और एक प्योर माया को देखा। ये तीन चीजें देखी तब भागवत की रचना किया। तो जो जीव शक्ति है भगवान की, उसके अंश सब जीव माया के अंश नहीं और पराशक्ति के अंश नहीं, इसलिए माया हमारे ऊपर हावी हो गई सदा से। ऐसा मत सोचना बोलना हो गई एक दिन, है सदा से है। भगवान की तरफ हमने पीठ कर रखी है, ये भगवान है, इसकी तरफ पीठ है। भगवान के सामने अगर हो जाते तो माया भाग जाती। तो वेद कहता है द्वास पर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परखस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचा कसीति श्वेता चतुरोपनिषद। चौथे अध्याय का छठवां मंत्र। हमारे अंदर दो पर्सनैलिटी है, एक हम, एक हमारा बाप माने भगवान, एक ये बालक और एक इसका पालक भगवान। दोनों सदा साथ रहते हैं। हम कुत्ते बने, गधे बने, नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, जहां भी जाएंगे ये दोनों साथ रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बाप है, ऐसा कोई सखा है, ऐसी कोई बीबी है? अरे एक जन्म भी साथ नहीं रहेंगे, सदा क्या रहेंगे? और रह के क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। पहला काम तो यह है उनका कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है,
इनमें तत्त्व कर्म करने की शक्ति देते हैं। हमारी आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, मन में सोचने की शक्ति, बुद्धि में डिसीजन की शक्ति ये देते हैं, लेकिन क्या सोचो क्या डिसीजन लो ये तुम्हारे ऊपर, वो डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे तुम्हारे घर में बिजली दे दिया पावर हाउस ने, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया उसने, अब तुम उसको पकड़ के मरो चाहे एसी चलाओ, जो मन में आए तुम करो, तुम स्वतंत्र हो, भगवान जिम्मेदार नहीं उसके। दूसरा काम क्या करते हैं, तमाम जन्मों के हमारे कर्म हैं, किए हैं पहले, मान लो हमने पहले भक्ति की है चार आने, अब हमको तो पता नहीं वो चार आने की भक्ति बिना हमारे किए भगवान हमको दे देंगे, तो भगवान में मन लगना नेचुरल शुरू हो जाएगा, हम नास्तिक नहीं बनेंगे। कोई संत मिल जाएगा, समझा देगा, हम वो हिसाब बैठा देगा भगवान कि चार आने के आगे चलो, इस जन्म में आठ आना कर लिया, अगले जन्म में बारह आने कर लिया, फिर चौथे जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया, ये काम करता है। प्रारब्ध क्या है आपका, संचित कर्म तो अनलिमिटेड है, पाप पुण्य दोनों, उसमें से निकाल कर थोड़ा सा इस जन्म के लिए भगवान रखते हैं, तो वो इस जन्म में भोगने वाले को प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य लक वो थोड़ा सा होता है, वो उस समय थोड़ी सी बुद्धि जैसे खराब प्रारब्ध आ गया, थोड़ी मन में कुछ गड़बड़ होने लगी, भगवान में मन नहीं लगता, ऐसा कुछ आइडिया होने लगा, तो समझ लो कि कोई गड़बड़ आ गई है संस्कार की, हम और अब तेजी से अभ्यास करेंगे। जैसे आप साइकिल चलाते हैं और ऊंचाई आ गई कहीं, पुल है, तो आप जोर लगा देते हैं जरा और तेजी से, स्पीड भले ही कम हो जाए लेकिन चढ़ा चल जाते हैं आप ऊंचाई पर, वो पार हो गया खराब प्रारब्ध भोग करके, तब फिर उसके बाद साइकिल अपने आप चली जाती है। ऐसे ही जब खराब प्रारब्ध आता है तो नेचुरल बुद्धि में विकार पैदा होने लगता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो उस समय घबराओ नहीं और उसकी लिंक न बनाओ आगे, धिक्कार करके और साधना में जोर लगा दो, और जो प्रारब्ध साल भर का छह महीने का जो खत्म हो जाएगा तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, तो उसको भगवान करते हैं। और वर्तमान काल में जो हम पाप पुण्य करते हैं अच्छा बुरा वो तो नोट करते हैं, तो भगवान सर्वत्र हमारे साथ रहते हैं ये वेद कह रहा है। लेकिन वेद ये कहता है आगे, इसी के अगला मंत्र चौथे अध्याय का सातवां मंत्र, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमानमिति भीतशोक। ये जो जीवात्मा और परमात्मा है ऐसे, ये अगर जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश, अगर अबाउट टर्न हो जाए जीव, राइट अबाउट टर्न हो जाए, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाए, अरे कंस वगैरह लेफ्ट अबाउट टर्न हुए थे, हो इतने दुश्मनी पर तुल गए श्री कृष्ण के, खाना आया अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली फेंक दिया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, कपड़ा फाड़ दिया, बीबी आई लड़का आया अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, मार दिया उसको एक धक्का, पागल हो गया, जित देखो तित श्याम मई है, जो हालत गोपियों की थी वही कंस की थी। लेकिन वो सन्मुख हो गया, उसका मन का अटैचमेंट 100% सरेंडर करके भगवान में मिल गया, हो गया कब, अरे कोई भी पारस को लोहे से प्यार से छुआ दे सोना बनेगा, लड़ा दो सोना बनेगा, अकस्मात वो लड़ जाए सोना बनेगा। शुद्ध पर्सनैलिटी में अशुद्ध वस्तु जाकर शुद्ध हो जाती है,
शुद्ध पर्सनैलिटी अशुद्ध नहीं होती। गंगा जी में को कितने नाले बहते हैं, कितनी नदियां मिलती जाती हैं, सब आचमन करते हैं गंगा जी हो गई। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च, काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, किसी भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए पूर्ण। यदा हे वै तस्मिन्नु दरमंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति, थोड़ा भी अंतर हुआ तो भगवान जिम्मेदार नहीं है। जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी और सारी साड़ी खींच गई तो भगवान खाना खा रहे थे, खाना बंद हो गया, जो मुंह में गस्ता था वही रह गया, जो मुंह की तरफ जा रहा था वो भी रुक गया। रुक्मिणी ने कहा महाराज ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं, खाइए ना। कहा चुप रहो, बड़ा सीरियस मामला है। क्या सीरियस है? एक भक्त पर बड़ी मुसीबत आई है। अरे तो जाओ बचाओ फिर। अरे क्या बचाऊं, मैं कहता हूं माम एकम शरणम ब्रज, एक गधे सुनते ही नहीं जीव, वो अपनी बुद्धि लगा रही है कि मैं दांत से साड़ी दबा के बचा लूंगी। 10,000 हाथी का बल दुशासन में एक अबला कितनी ताकत लगाएगी। जैसे ही साड़ी दांत से अलग हुई वैसे ही छोड़ दिया दोनों हाथ द्रौपदी ने, ऊपर को कर दिया। हा नाथ द्वारिका वासिन, अम्बरावतार हो गया। कंप्लीट सरेंडर के बिना काम नहीं बनेगा। तो आनंद रूपी भगवान की शक्ति होने के कारण हम अंश कहलाते हैं, उसी के हैं। तो जिसका जो अंश होता है या शक्ति कुछ भी बोल दो, वो शक्तिमान का दास होता है, उसी को चाहता है नेचुरल। अगर अनंत कोटि कल्प कोई अभ्यास करे, हम आनंद नहीं चाहेंगे, हम आनंद नहीं चाहेंगे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चाहे रशिया का हो, चाहे चाइना का हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे जो कोई हो, आनंद चाहना पड़ेगा। और जब तक आनंद न मिलेगा उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। हम नहीं करते प्रयत्न, नहीं करते। क्या करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल। नहीं कश्चित क्षण मपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक गीता, कोई जीव एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, एक क्षण को। हम सो जाएंगे, रजाई ऊपर से आंख बंद कर लेंगे। अरे कुछ भी कर लोगे बाबा, मन तो रहेगा। उनको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म केवल आनंद के लिए ही करना पड़ेगा। वो कर्म भिन्न भिन्न है। हंस रहा है बड़े जोर से, किस लिए? आनंद मिल रहा है। एक रो रहा है, क्यों? आनंद मिल रहा है। एक खड़ा हो रहा है, बड़ी देर से बैठे हैं, आनंद मिल रहा है। एक बैठ रहा है, बड़ी देर खड़े रहे, आनंद मिल रहा है। अलग अलग क्रियाएं, विपरीत क्रियाएं, लेकिन आनंद के लिए, केवल आनंद के लिए। उसको आनंद मिलता है उसमें। क्यों रोता है आदमी? दुख सहा नहीं जाता तो उस दुख को रो करके निकालता है तो चैन मिल जाता है। पैदा होते ही रोता है, पैदा होने में इतना कष्ट हुआ कि रोया। किसी ने सिखाया था उसको कि बेटा रोना जब तुमको आनंद चाहिए तो। अनादिकाल से यह क्रम चला आ रहा है। जितनी क्रियाएं हैं सब विपरीत, लेकिन रिसर्च एक, आनंद, आनंद चाहिए। कैसे मिले आनंद?
अब जैसा संग मिल गया, माताजी ने समझाया ऐसे मिलेगा, पिताजी ने समझाया बीए करो एमए करो और नौकरी करो और खूब पैसा कमाओ तो आनंद मिलेगा, सब एक तरफ हो गए बेचारे के, अकेला एक आदमी उसके पीछे लग गए सब। अब वो भी देख रहा है, हाँ ये भी सर्विस कर रहा है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको आनंद मिला क्या। जब मिल ले पूछ ले, क्यों अरबपति महोदय आपका क्या हाल है भीतर, तो कहता है नींद की गोली खा के सोता हूं, यही हाल है। तो वो क्यों भागेगा अरबपति बनने के लिए, फिर तो ये सोचेगा अरे दो रोटी तो मिल रही है और क्या करना, भाड़ में जा। वो नहीं मानता, चाहे बिल गेट्स हो चाहे कोई हो, वो अपने से आगे की ओर भाग रहा। अरे छोड़ो, छोटे मोटे की तो बात छोड़ दो, सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है, लेकिन आ ब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा। गीता 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, अभिरिंचाद मंगलम भागवत, ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। स्वर्ग में इसी प्रकार जैसे यहां रोग है हमसे, वो आगे है, हमारे साइकिल है उसके मोटरसाइकिल है, दुखी हो रहा है, हमारे मोटरसाइकिल है उसके देखो मर्सिडीज है, दुखी हो रहा है, हमारे दो कमरे का मकान है उसका महल देखो, उसको बड़ा आनंद मिलता होगा, वो कुड़ता रहता है। अरे तुमको उससे क्या मतलब है, कुड़ते क्यों हो, उसका जो है रहने दो। नहीं जी वो पता नहीं क्या बुरा लगता है, बड़े बड़े काबिल जो कहलाते हैं उनका हाल बता रहा हूं, सब परेशान ऐसे ही स्वर्ग में है। ये मानव गंधर्व का लोक है, ये देव गंधर्व का लोक है, ये पितृलोक का लोक है, आजानत देव का लोक है, कर्मदेव का लोक है, देव का लोक है, इंद्र का लोक है, बृहस्पति का लोक है, प्रजापति का लोक है, ब्रह्म लोक है, एक से एक ऊपर लोक है। तो ऊपर के लोक के सुख को देखकर दुखी होता है, काश कि हम वहां होते। और काम क्रोध लोभ मोह जो सबसे बड़े रोग हैं मन के, ये वहां भी है। तपस्या कर रहा है ध्रुव बेचारा भगवत प्राप्ति के लिए, और इंद्र के खाना हजम नहीं हो रहा, इसको गड़बड़ करना है, इसकी तपस्या भंग करना है, ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा दिलीप का तो ये हमारा पद छीन लेगा, इसके पास वेश्याएं भेजो स्वर्ग की अप्सराएं, नष्ट भ्रष्ट करो इसको। अरे भाई तो हम अपनी कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब, अजी हमको हमारी सीट छीन जाएगी। तो वो स्वर्ग में भी वही सब बीमारी है, इसलिए स्वर्ग को और निंदनीय माना है। वेद कहता है अविद्यायां बहुधा वर्तमाना स्वयं कृतार्था अभिमन्यन्ति बालाः, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदेन्ते प्रमूढ़ाः। वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। वो भगवान को प्राप्त करना है और इसीलिए हम भगवान को चाहते हैं, इसीलिए ध्यान दो, आदि महापुरुष कवि जिसे कहते हैं वाल्मीकि, उसने लिखा लोके नहि सविद्येत जो न राम मनुव्रता, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो। हैं, मैं तो राम को गाली देता हूं, फिर तुम किसके भक्त हो, आनंद के, उसी का तो नाम राम है। अरे तुम उसको बाप न कहो माँ का पति कहो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आनंद ही जब भगवान है
और तुम आनंद चाहते हो 24 घंटे, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो फिर भगवान के भक्त तुम हो ही। भगवान नहीं मिले ये रीजन अलग है, ये बात अलग है कि तुमने ठीक ठीक रिसर्च नहीं की। अजी सफेद सफेद पानी को उसने मथा मक्खन निकला, हमने भी सफेद सफेद पानी को मथा पर मक्खन क्यों नहीं निकला? तुमने चूने के पानी को मथा है, उसमें मक्खन था ही नहीं तो कहां से निकलता? और उसने दूध को मथा था, दूध में मक्खन था इसलिए मक्खन निकल आया। संसार में तो जब ब्रह्मलोक तक में सुख नहीं है तो तुम ये लाखों करोड़ों अरब रुपया इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हो, कितना बड़ा भ्रम है तुमको। ये तो और मुसीबत बढ़ाने वाली चीजें हैं। नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति, सबका सत्यानाश कर देता है वैभव। कोई पैदा नहीं हुआ वैभव पा करके और मनुष्य बना रहे, कैसे भूल जाए हो? अगर डांट दिया किसी ने, है क्या समझता है मेरे पास 1 अरब है, पुलिस मेरे हाथ में है, ऐसा मैं करवा दूंगा वैसा करवा, अब नहीं है किसी के पास पैसा वैसा, डांट लो भाई क्या करेंगे, वो मनुष्य बना रहेगा तो भगवत भक्ति करेगा। हमारे देश में कई प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा, जब वो गवर्नमेंट उनकी फेल हो गई तो वो ऐसे बाबाओं के पास घूमे हैं जगह जगह, जो अंगूठा छाप, कोई रुद्राक्ष की माला दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, और कुछ काम नहीं बना। और जब वो बन जाता है वो फिर भूल जाता है, भगवान भगवान क्या है, असिस्टेंट भगवान हम ही है। ये नाटक चला आ रहा है अनादिकाल से। तो भगवान को प्राप्त करना है, ये कोई भी गुरु होगा वो आपको बताएगा, भगवान की प्राप्ति से ही 2 बातें बनेगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सदा को आनंद प्राप्ति। यानी सदा के लिए दुख चला जाए और सदा के लिए सुख मिल जाए, ये 2 एम है। मूर्खों का एम है मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख, ये 5 दर्शनों का सिद्धांत है कि दुख चला जाए। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु, ये 3 प्रकार के दुख सदा को चले जाए, ये हमारा यम है। लेकिन वेदांत का ये उद्देश्य नहीं, वेदांत कहता है दुख निवृत्ति तो मामूली चीज है, वो तुम्हारी होती रहती है रोज, जब तुम सपना भी नहीं देखते, गहरी नींद में सोते हो, सबको मिलता है वो, 1 घंटा आधा घंटा कभी 4 दिन में मिले मान लो, मिलता है। जब सपना भी नहीं देखते तो आप सवेरे उठ के कहते हैं आनंद है आज, वैसे सुख से तो कोई सपना अपना नहीं देखा, तो दुख निवृत्ति तो हो गई। अरे उसको भी छोड़ो, डॉक्टर 1 इंजेक्शन लगाया और आपको काट रहा है, हड्डियों को काट रहा है, आनंद में आप लेटे, काटे क्या करना हमको, तो दुख निवृत्ति तो आपका बहुत अनुभव हो रहा है, लेकिन जहां जागे हाँ बेटे का ऐसा हो गया, बाप का ऐसा हो गया, बीबी का ऐसा हो गया, वहां घाटा हो गया, वहां संसार आके भर गया, टेंशन डिप्रेशन, ये जो शब्द सुनते हैं आप लोग, ये सब इकट्ठा हमला कर देते जागते ही। इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सही है,
इसलिए वेद कहता है रसो वैसा रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। वो रस है। तैत्तरीयोपनिषद दूसरे बल्ली का सातवां अनुवाक, वो रस है माने वही आनंद, उसको प्राप्त करके यह रस होगा, आनंदमय होगा। उसको प्राप्त करके यह आनंदमय होगा, और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। नया स्वर्ग बना देने की शक्ति रखने वाला विश्वामित्र और फरसा लेकर के वशिष्ठ की कुटी के पीछे छुप गया कि ये सो जाए तो आज काट दे इसको। देखो सृष्टि कर दिया जिसने, उसकी इतनी माया की स्थिति, इतना क्रोध। उसी समय अचानक वशिष्ठ की स्त्री ने पूछा कि पतिदेव इस समय सबसे बड़ा तपस्वी कौन है दुनिया में? तो वशिष्ठ ने कहा तपस्वी तो सबसे बड़ा विश्वामित्र है, लेकिन क्रोध उसको ऐसा है कि सब चौपट कर देता है। ये सुन रहा था विश्वामित्र, काया पलट हो गई। देखा धिक्कार है मुझे, इतना परिश्रम किया, करोड़ों वर्ष तप करके इतनी सिद्धियां प्राप्त की और क्रोध को नहीं मिटा सका मैं। तो फौरन आया, दरवाजा खटखटाया। वशिष्ठ ने कहा कौन है इस समय रात को 12 बजे? देखा विश्वामित्र फरसा लिए। तो वशिष्ठ तो भक्त थे, उनको कोई डर तो था नहीं, ये काट डालेगा, काट डालेगा, क्या करना है, फिर तो शरीर मिल जाएगा। तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा अरे विश्वामित्र तुम इस समय? तो उन्होंने फरसा रख दिया चरणों में और उन्होंने कहा महाराज हम आपको मारने आए थे। उन्होंने कहा जाओ तुम ब्रह्मर्षि हो जाओ। पहली एग्जाम्पल हमारे देश में कि एक क्षत्रिय उसी जन्म में ब्राह्मण हो गया और ब्राह्मण के कर्म का अधिकारी बन गया। कि माया की प्रबलता तो सदा रहेगी जब तक कि भगवत प्राप्ति न होगी। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा, जब उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तब माया जाएगी, जब माया जाएगी तो फिर काम क्रोध लोभ मोह सब अपना अपना बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति एक सेकंड को न सोचे कि हमारे अंदर काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, सब बकवास, पागल है जो ऐसा सोचे या बोले। एकदम माया के विकार हैं, इसकी जननी माया है, वो रहेगा, कम ज्यादा का अंतर होगा। एक आदमी को कहा तुम गधे हो, गुस्सा कम नहीं आया, तुम महाबेवकूफ हो, थोड़ा आया, तुम राक्षस हो, क्या कहा अब आ गया। आएगा, कोई बच नहीं सकता। तो उस ब्रह्म को पाने के लिए क्या करना होगा, किस क्रिया से वो ब्रह्म मिलेगा, ये वो महापुरुष बताएगा। तो महापुरुष ने बताया उसके लिए कांड त्रयात्मको वेद, वेद में तीन मार्ग है, वेद अथॉरिटी है ना, उसमें तीन मार्ग है, कर्म ज्ञान भक्ति, सब जानते हैं कर्म ज्ञान भक्ति। लेकिन अब देखो कर्म की 80,000 ऋचाएं, ज्ञान की 4,000 ऋचाएं, उपासना की 16,000 ऋचाएं, तो इतनी ऋचाएं कर्म कांड की हैं, और जबकि उसका फल नश्वर, वो घोर मूर्ख है
जो 80,000 ऋचाओं के चक्कर में पड़े, लेकिन वो इसलिए है कि संसार में इतनी आसक्ति है जीवों की कि उनको एकदम से तुम अगर वैराग्य की बात करो तो वो झापड़ भी लगा दे तुमको, हाँ, तो वो स्वर्ग में सुखों का जो हिसाब किताब अधिक है उसका लालच दे करके फिर जब वहां जाएंगे वो स्वर्ग में, तब समझेंगे अरे यहां भी गड़बड़ है संसार की तरह। तो कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये महापुरुष समझाएगा। मार्ग तीन है, ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। आप भक्ति पर विचार कीजिए क्योंकि कर्म तो स्वर्ग देगा, ध्यान दो, कर्म तो स्वर्ग देगा, बशर्ते कि 6 नियम हैं उनका 100% पालन हो। पहला देश, यज्ञ कर रहे हैं आप, हवन हवन, हाँ कहाँ कर रहे हैं, अरे कहाँ कर रहे हैं, अपने आंगन में कर रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, अजी सब ऐसे करते हैं शादी ब्याह में अपने घर के आंगन में करते हैं, नहीं नहीं वो झींगा मुश्ती है, वेद नहीं कहता ऐसा। स्थान में भी नियम, और किस समय यज्ञ करेंगे आप, शुरू करेंगे, अरे कभी शुरू कर देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, उसका भी मुहूर्त होगा। और किस सामान से यज्ञ करेंगे, अरे जौ तिल वगैरह घी ये कहाँ कैसी कमाई का होगा, अरे कमाई क्या जैसी भी कमाई जिसकी हो, ना ना ये नहीं चलेगा, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ पैसा हो वो द्रव्य आवे। और वो पंडित जो कराता है यज्ञ वो वेद मंत्र सही सही बोलता है, अब वो जाने मैं क्या जानू, मैं कोई वेद पढ़ाऊं क्या, हाँ ये नहीं चलेगा, एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर के ऊपर स्वर लगा होता है वेद में, उस स्वर से गलत हुआ तो फिर उल्टा फल होगा, बेकार नहीं जाएगा, वो यजमान का नाश करेगा। जैसे संसार में हम एक नौकर से कहते हैं चाय बना के लाओ, हो गया, और चीनी की जगह उसने नमक छोड़ दिया और साहब को दिया, साहब ने पिया है, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, निकल जाए यहां से, अरे 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 10 साल का नौकर है, अरे इससे क्या होता है, क्या किया, देखो नमक डाल दिया चीनी की जगह, वो दंड पाएगा, सर्विस से निकाल दिया जाएगा। और स्वर्ग में तो बड़े बड़े दंड है, स्वर तो वर्ण तो वह उल्टा हो गया, राक्षस ने यज्ञ कराया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, और ऋषि मुनियों को पकड़ के यज्ञ करवाया उसने जबरदस्ती, तो ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, इंद्र मारा जाए, इसका अर्थ तो ये है मंत्र का, तो उन्होंने उसको एक स्वर बदल दिया, आद्युदात्त को अंत्योदात्त कर दिया, तो उसका अर्थ हो गया कि हमसे इंद्र न मारा जाए, हम इंद्र से मारे जाएं। और यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए, तथास्तु आशीर्वाद दिया, जैसा तुम लोगों ने मंत्र में कहा है वैसे ही मिलेगा फल, और युद्ध हुआ, और राक्षस मारा जाने लगा जब, तो उसने कहा ओ भगवान हम भी तो तेरी संतान है, ये तूने क्या पक्षपात किया, भगवान ने कहा मैंने तो पक्षपात नहीं किया, तुम्हारे मंत्र का जो अर्थ था वैसे ही हमने फल दे दिया, तो ये तो इन महर्षियों की गलती है, इनको दंड दो, हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम्हारे ब्रह्म महर्षि लोग हैं, तुम लाए हो उनको, हाँ इतना बीहड़
विकट काम है कर्मकांड का, इम्पॉसिबल है कलयुग में। फिर भी अगर कोई जिद करता है हम कर लेंगे तो क्या होगा, कर्म जितो लोक क्षीयते, पुण्य जितो लोक क्षीयते, तो चार दिन को जाओ फिर लौट के आओ, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंत शोभावामर्त्यस्त कई तत् सर्वे इंद्रियाणाम जरयंति तेजा। जमराज ने बड़ा लालच दिखाया नचिकेता को, उद्दालक के पुत्र को, अरे स्वर्ग में बड़े आनंद है, यह है वो है। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि स्वर्ग में वो सुख है कौन, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमात्व विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद छठवें अध्याय के 27-23 अध्याय का पहला मंत्र, जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, वो आनंद वो तो नहीं है स्वर्ग में, तो फिर हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वो आनंद चाहिए जो भूमा है, अनंत मात्रा का है, तो वो तो भगवान के द्वारा मिलेगा और कोई गति नहीं। क्या करें उसके लिए, भक्ति, भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषा, भक्ति रेव गरीयसी, माठर श्रुति वेद कहता है, एव केवल भक्ति। और भक्ति में भी बुद्धि की जरूरत है, क्या, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो। तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, तब भगवत प्राप्ति होगी। अगर गुरु का अपमान थोड़ा भी हो गया तो भगवान लाल पीले हो जाते हैं, दुर्वासा के पीछे चक्र चला दिया। दुर्वासा ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि थे और कृत्या सिद्ध थी उनकी, त्रैलोक में गति थी, और अम्बरीश राजा था, क्षत्रिय था, उसने जरा पानी पी लिया व्रत के पारायण में और उनको मालूम हो गया, कृत्या को प्रकट किया, सिर काट दे इसका, भगवान का चक्र चला, उसने कृत्या का सिर काट दिया और खदेड़ लिया दुर्वासा को, और ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी ने कहा अरे राम राम मेरे पास मत आओ भैया, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। शंकर जी के पास गए, सब जगह घूमे, एक वर्ष घूमते रहे अनंत ब्रह्मांड में कि कोई बचा लो, ये चक्र आ रहा है। तो सबने कहा भैया वहीं जाओ जिसके प्रति अपराध किया है, भगवान भी नहीं बचा सकते, उसी के पास जाओ जिस महापुरुष के प्रति पाप किया है तुमने। और एक साल तक अम्बरीश ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया कि हमारे कारण ब्रह्मर्षि ब्राह्मण को इतना कष्ट मिल रहा है, राधे राधे करता रहा, अंत में जब आके चरणों में गिरे दुर्वासा क्षत्रिय के, तो उसने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ये ब्रह्मर्षि हमारे पैरों पर गिर रहा है, ये पाप चढ़ा रहे हैं आप, क्षमा कर दीजिए। बहुत रोए गिड़गिड़ाए, क्षमा हुआ। तो भगवान क्षमा नहीं कर सकते अगर भक्त के प्रति अपराध हुआ तो।
विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते। भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु क्षमा कर देगा, और गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, उसका कोई क्षमा नहीं है। भगवान नहीं कर सकते, वही महापुरुष कर सकता है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक पुंडरीक विद्यानिधि थे, बड़े ऐश आराम में रहते थे, सोने का पलंग और ठाट, 50 स्त्रियां सेवा कर रही हैं। तो भगवान ने एक दिन बैठे बैठे कहा, अरे भाई एक भक्त से मिलने जाना है। और बड़े बदनाम थे पुंडरीक विद्यानिधि, तो भक्तों ने सोचा पता नहीं किसी भक्त के पास जाएंगे, और वो चल दिए पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर पहुंचे। सब सत्संगी बड़े बड़े विद्वान भी थे, क्या है क्या सूझा है गुरुजी को, इसके यहां जा रहे हैं इतना बदनाम आदमी। और वहां जैसे पहुंचे और दोनों लिपट गए, चिपटा लिया। गौरांग महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि को, अब और दिमाग खराब हुआ इन लोगों का, एक का अधिक खराब हुआ। और लोगों ने तो कहा है जब गौरांग महाप्रभु चिपटा रहे हैं तो ठीक ही है, और कोई गड़बड़ नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे इनकी स्थिति होगी, शास्त्र वेद तो सब पढ़े ही है, जानते हैं, लेकिन एक का दिमाग बहुत खराब हो गया। तो महाप्रभु जी ने कहा है ये क्यों आया है यहां हमारे पास, महाराज तो रोज आता है, ना इसने नामा अपराध किया है, एक संत का अपमान किया है, कह दो चला जाए हमें मुंह न दिखाए। आप सब संत कौन बोले, तो बहुत धीरे धीरे दूसरी दो तीन दिन बीत गए, जब तो लोगों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए उसको। उन्होंने कहा जाओ उससे कहो कि पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ले, उनका शिष्य बने तो मैं क्षमा कर सकता हूं। जिस संत के प्रति अपराध हो वही क्षमा कर सकता है। तो जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो। भक्ति इससे अधिक मद भक्त पूजा भ्यधिका भागवत कह रही है, मेरे भक्त की पूजा उपासना सेवा मुझसे अधिक करनी चाहिए। ये मे भक्त जना पार्थ, जो मेरे भक्त हैं, न मे भक्तास्तते जना मद भक्तस्य जे भक्ता, आदि पुराण कहता है, जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही सच्चे भक्त हैं। तो भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, लेकिन अकेले भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं, गुरु और भगवान दोनों को साथ रखकर, दोनों को एक लेवल पर रखकर भक्ति करनी होगी, ये शर्त है। क्यों? इसलिए कि वो गुरु है क्या, जानते हो, गुरु भगवान एक है। गुरु जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तो कुछ नहीं करता, उसका कर्म भगवान करता है, उसकी छुट्टी, वो केवल आनंद में निमग्न रहता है, काम उसका भगवान करेंगे। जैसे इंद्रियां, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान, जब माया चली गई तो इंद्रियों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे भगवान, अब भगवान वर्क करेंगे, वैसे बुद्धि करेगी, वैसे मन करेगा, वैसे इंद्रियां करेंगी। ये तुलसीदास की रामायण को हम लोग क्यों मानते हैं, तुलसीदास की लिखी हुई, अरे कभी ना माने हम विद्वान लोग तो काट के फेंक दे, ये राम की वाणी है, तुलसीदास कुछ नहीं करते, वो तो सरेंडर कर दिए छुट्टी, ये राम की वाणी है, इसलिए हम मानते हैं महापुरुष के ग्रंथ को,
वेद व्यास की वाणी है, ये भगवान की वाणी है, उसका सम्मान इसलिए होता है कि एक अक्षर हम उसको हटा नहीं सकते इधर से उधर। तो भगवान और महापुरुष में कोई भेद नहीं है, इसलिए नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, रजस्तमश्च सत्वेन सत्पञ्चोपशमेन च, रजोगुण तमोगुण को सत्व गुण से समाप्त करो और सत्व गुण को भगवत भक्ति से समाप्त करो। बड़ा लंबा है, लॉन्ग जर्नी, लेकिन एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्। केवल गुरु भक्ति कर लो, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण तीनों समाप्त हो जाएंगे, उसको घूम के नहीं जाना है, सीधा रास्ता। सात स्कंद के 15वें अध्याय का 25वां श्लोक, यस्य साक्षात भगवति, वो साक्षात भगवान है गुरु, ज्ञान दीप प्रदे गुरु, ज्ञान का दीपक दे दिखाने वाला वो गुरु, मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्, एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। बार बार कह रहे हैं नारद जी कि वो साक्षात भगवान है और उसमें माइक बुद्धि मर्त बुद्धि लाया अगर तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जैसे हाथी नहाने के बाद धूल डाल लेता है अपने ऊपर कुंजर की तरह। आचार्यम माम बिजानी आन नाव मन्ने तो कर, स्वयं भगवान कह रहे हैं उद्धव आचार्य को गुरु को मुझे मानो, मैं ही हूं वो, तो गुरु का शरीर है खाली, उसमें मैं वर्क कर रहा हूं। न मर्त बुद्धिया सूये तो मनुष्य की बुद्धि मत लाओ कि इसके भी हाथ पैर नाक कान आंख है, ये भी देखता है सुनता है सूंघता है खाता है पीता है चलता है फिरता है, अरे ये सब मत देखो, उसके अंदर मैं हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, उसकी छुट्टी हो गई। तस्य कार्यम न विद्यते, गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते, एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। वो कृत कृत्य हो गया, कृत्य माने कर्म, कृत माने कर चुका, अब उसे कुछ नहीं करना। जैसे मक्खन को पकाते हो तो बोलता है पट 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 पट, चुप, जब पक गया तो चुप हो गया, अब नहीं बोलेगा। लगाओ टेम्परेचर, वो नहीं बोलेगा, जल जाएगा बोलेगा नहीं। लेकिन जब कच्ची रोटी डालोगे उसमें, जिसको पूरी कहते हो, आप बोला पूरी पक गई, हाँ फिर चुप, दूसरी पूरी पड़ी फिर बोला, अपने लिए नहीं बोला पूरी के लिए बोला। जितने महापुरुष हैं इन्होंने सब कर्म किए, मनुष्य क्या करेगा, करोड़ों मर्डर, आप लोगों में किसी ने एक मर्डर नहीं किया होगा। हनुमान जी इनको देखो, और ब्राह्मणों को मारा है, ब्रह्म हत्या जिसे कहते हैं, अर्जुन को देखो, अपने गुरुजनों का मर्डर किया है। लेकिन एक क्षण को सर्वत्र भगवान को भी भूले नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर, प्रतिक्षण भगवान का चिंतन किया है सर्वत्र। तो भगवान का स्मरण निरंतर करते हुए और माया का वर्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं माया का वर्क, तो हम क्या कहेंगे, माइक है, घोर माइक है, इतनी हत्याएं की है इसने। भगवान करे तो करे, महापुरुष भी, एक गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद से, जाओ दो ब्याह कर लो,
अरे दो ब्याह कर लो, आप तो बीबी को छोड़ करके सन्यासी बने और उनसे कह रहे हैं दो ब्याह कर लो, ऐसे बाबा लोग क्या हैं। उस समय हम लोगों ने खूब गाली दी थी चैतन्य देव को। अब वो चले गए तो गौर हरि गौर हरि गौर हरि ऐसा बोलते। जब जब संत लोग आए हमने 25 बुराइयां उनकी की, झूठी सच्ची सब मिला के, और जब वो चले गए तो फिर उनकी पूजा करते हैं। ये रैदास जयंती है, ये खोपड़ा दास जयंती है, बड़ी बड़ी बातें होती। तो जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो तो प्रकाश्यन्ते महात्मनः। वो देंगे भगवान ही, लेकिन गुरु के केयर आप देते हैं। उद्धव को सखा होकर भी नो धवोन्नपि मन न्यूना भागवत कहती है, उद्धव मुझसे कम नहीं है लेकिन प्रेम नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ। उद्धव समझे नहीं ज्ञान दे आओ का मतलब क्या होता है, वो समझे उनको उपदेश दे आओ ज्ञान का, अहम ब्रह्मास्मि का। और भगवान का मतलब था ज्ञान को उनको दे आओ और भक्ति ले आओ वहां से। वो गए लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, अंत में हार गए। वेद की ऋचाएं थर्ड क्लास की गोपियां हैं, जो गोलोक से आई हैं गोपियां वो सखी भाव की महापुरुष हैं, और ये सकाम भक्त हैं। वेद की ऋचाएं भयम पिते समाह समदिशोंग्रि सरोज सुधा भागवत कहती है, ये सकाम गोपियां वेद की ऋचाएं ये उद्धव से कहती है हमको पढ़ के तो तुम ज्ञानी बने हो और हम ही को लेक्चर देने आए हो। अरे तुम क्या समझो ज्ञान किसे कहते हैं। अरे संसार में अगर किसी के प्रति हमें ज्ञान होता है उसके गुणों का तो प्रेम होता है ना, और जब प्रेम ही नहीं हुआ तो तुम्हें क्या ज्ञान है, धोखा है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति से ही काम बनेगा। गीता ले लो, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्त के लिए भगवान कहते हैं मैं योग क्षेम बहन करूंगा, किसी ज्ञानी के लिए नहीं कहा, किसी कर्मी के लिए नहीं कहा। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, और मुझे जो कुछ दे दे कोई भक्ति से, अमीर नहीं है पत्ता दे दे, अच्छा पत्ता भी नहीं तोड़ सकता पानी दे दे, पानी तो पीता है एक आदमी, तो यम मैं प्रेम से ग्रहण करूंगा उसको। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। गीता, अत्यंत दुराचारी भी हो और अगर मेरी शरणागति कर लिया, मेरी भक्ति कर लिया उसने, उसको साधु ही कहो। वो प्रारब्ध से दुराचार उसमें आ गया है, वो खत्म हो जाएगा अपने आप, वो महापुरुष ही है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, और एक जगह तो चैलेंज कर दिया श्री कृष्ण ने, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, ज्ञानी का होगा। ये नेरबिंदाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वयस्तभावा दबिशुद्ध बुद्धया
आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तत पतन त्यधोना धृत युष्म दंग्रया तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो भागवत। ज्ञानी अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर भी गिर जाएगा, बिना भक्ति के मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञानी की वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार इतने का तो भेदन कर देगा, इतने को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन महान और प्रकृति ये दो तत्व को नहीं पार कर सकता। फिर माया के एरिया में आ जाएगा, 84 लाख में घूमा गया, जड़ भर स्तरी के परमहंस को हिरण बनना पड़ा। नैष्कर में प्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान और नैष्कर्म ज्ञान से युक्त भी हो जाए कोई तो भी पतन हो जाएगा। क्यों? ध्यान दो। क्यों? एक प्रतिज्ञा है भगवान की, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते। मेरी माया है त्रिगुणमयी मेरी। अरे वो तो जड़ है। अरे जड़ है लेकिन मेरी है, मेरी पावर से वो वर्क करती है, इसलिए मेरे बराबर पावर है उसमें। ध्यान दो, माया में कितनी पावर है भगवान के बराबर। एक लठिया है, उस लठिया से किसी ने मारा किसी को, तो अगर कमजोर आदमी ने मारा तो लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और अगर दारा सिंह ने मारा तो सर के दो हिस्से हो गए। तो ये शक्ति जो माया जड़ है ये मेरी है, मेरे बराबर पावर इसमें, इसलिए मेरे सिवा इस माया को कोई ऋषि मुनि योगी नहीं जीत सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएंगे उन पर कृपा करके मैं कह दूंगा माया से छोड़ दे। ये शाम सैव भगवान दयये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। नहीं शाम, और कोई नहीं जो शरणागत होगा। दूसरे अध्याय के सातवें, दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का 42वां श्लोक। तो बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती, ये आप लोग रख लीजिएगा। और ज्ञानी अगर भक्ति नहीं करेगा, शरणागत नहीं होगा, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? माया तो जाएगी नहीं। ये बात शंकराचार्य ने मान ली। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। कथम त्वत्कटाक्षम विना, बिना आपकी कृपा कटाक्ष के मोक्ष नहीं मिलेगा। 50 जगह कहा शंकराचार्य ने। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष से दीर्भवी तुम्हार रहती। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि वो गुणा बरिका माया नहीं जाएगी, स्वरूपा बरिका माया चली जाएगी। वो गुणा बरिका माया भगवान की पर्सनल पावर है, वो बिना भगवान की कृपा के नहीं जाएगी। इसलिए कोई हो
तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्तु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। अथात आनंद दुघं पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरबिंद लोचन सुखन्नु विश्वेशर योग कर्म भिस्त्वन्मायामी बिहता नमानिना। कोई योगी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, सबका पतन हो जाएगा। और तो और जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी। यद्यचिंत्य महाशक्तौ भगवत्यपराधिनः। जीवन मुक्त भी पतन हो जाता है उनका। अरे मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। छठवें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो कोई भी ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो, तपश्चर्या हो, वो सब कुछ और दे सकता है, रिद्धि सिद्धि अणिमा लघिमा कर्म्या पाकाम्या सब, लेकिन न माया से निवृत्ति करा सकता है और न दिव्यानंद दे सकता है। दोनों इम्पॉसिबल। इसलिए साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तराई न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भक्ति के नहीं काम बनेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई कोटि भांति को करई उपाई तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण तो ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। सिंह पूछ माइनस पशु है वो जो भक्ति के बिना मोक्ष चाहता है। कोई इलाज नहीं है। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। ये रोग नहीं जाएगा माया का। राम कृपा नाश ही सब रोगा जो यही भांति बनाई संजोगा। क्या संजोग? सदगुरु वैद्य डॉक्टर सही हो महापुरुष वचन विश्वासा नंबर 2 उसके वचन पर 100% विश्वास हो। असंजम यह न विषय की आशा और रघुपति भक्ति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा अति रूरी यही विधि भले कुरोग नशाही नाही तो कोटि नहीं जाएगा रो। इसलिए अब सुनिए कंक्लूजन। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयो रेव किंकराः। विष्णु पुराण
भगवान का निरंतर स्मरण करो, ये विधि। भगवान को एक क्षण को न भूलो, ये निषेध। और सब छोड़ो, वेद में क्या लिखा है विधि निषेध। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं धेयो नारायणो हरि। पद्म पुराण। वेद व्यास कहते हैं मैंने छहों शास्त्रों को खूब मथा है बार बार, और ये निष्कर्ष निकाला, निरंतर भगवान का स्मरण करो मन से। बस अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। चाहे वो निष्काम भक्त हो चाहे सकाम हो, तुमको स्वर्ग चाहिए नरक चाहिए, सब के लिए तुम भक्ति करो, सब मिल जाएगा। अगर कोई जिद करे कि हम तो साहब स्वर्ग चाहते हैं, आपकी भक्ति देगी? हाँ देगी। यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जसा स्वर्गा पवर्गम मद्धाम कथंचित यदि बांछति। आप जो चाहते हैं सब मिल जाएगा। ब्रह्मा ने सारे वेदों को मथा सबसे पहले। भगवान ब्रह्म कार्तनेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। तीन बार वेदों को मथा और ये निष्कर्ष निकाला, राधा कृष्ण के चरणों में मन का अटैचमेंट करो, प्रेम करो कामनाओं को छोड़कर, और कुछ नहीं करना, न कायदा न कानून कुछ नहीं। सवेरे नहीं, दिन रात। माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, पति से करते हो? हाँ, वैसे ही करना है। घोर गंदे अवस्था में लेटिन में बैठे हुए भी भगवान को न भूलो, सब जगह उनका स्मरण करो। डरो मत कि भगवान गंदे हो जाएंगे, भगवान गंदगी को शुद्ध कर देते हैं, स्वयं गंदे नहीं होते। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। इसलिए सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। संसार का एक भी फल परिश्रम के बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह कानून कायदा है संसार में, भगवान के यहां नहीं है। केवल प्यार, और प्यार करना सब जानते हैं, पशु पक्षी सब जानते हैं। एक गाय है, अगर उसकी उसका अपना बछड़ा ना हो, दूसरे के बछड़े को लगा दो उसके स्तन में, लात मार देगी। सबको प्यार आता है, प्यार सीखने की चीज नहीं है, नेचुरल सबको भगवान ने दी है वो शक्ति। केवल ये स्वार्थ महसूस करो। केवल स्वार्थ रियलाइज करो। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। स्वार्थ नहीं अगर सिद्ध होता तो बाप को गोली मार देगा, बेटे को गोली मार देगा, बीबी को पति को गोली मार देगा। स्वार्थ सिद्ध हुआ तो पड़ोसी भी हमारे बाप का बाप बन जाएगा। बस अस्वार्थ साचु जीव कहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये स्व का अर्थ, स्व माने आत्मा, उसका अर्थ माने एम भगवान, क्योंकि उसका अंश है, उसी से परिपूर्ण होगा। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां स्वार्थ परस्मृता, एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र यदीक्षणम्।
सातवें स्कंद के सातवें अध्याय का 55वां श्लोक। तो बस निष्कर्ष ये है कि हम लोग केवल राधा कृष्ण की और गुरु की साथ साथ में भक्ति करें, कोई कामना ना ले जाएं, उनके सुख के लिए उनकी सेवा की भावना से निष्काम प्रेम की कामना करें और रो कर पुकारें। इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु स्वरूप शक्ति देगा, तब अंतःकरण दिव्य बनेगा, तब दिव्य प्रेम दान करेगा, तब दिव्य अंतःकरण में दिव्य प्रेम ठहर सकेगा, तब माया भागेगी और अनंत काल के लिए सदा पश्यंत सूरयः तद विष्णु परमं पदम आप माला माल हो जाएंगे। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।